किसान भाइयों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छोटा किसान में। किसान भाइयों, आज चर्चा करेंगे कावेरी 468 धान की। किसान भाइयों, यह धान कम अवधि में पकने वाली एवं अच्छी उत्पादन देने वाली वह किस्म है जिसकी खेती आप रवि सीजन व खरीफ सीजन दोनों सीजन में कर सकते हैं। रवि सीजन में बुआई करने के लिए इसकी नर्सरी नवंबर से दिसंबर में तथा खरीफ सीजन में बुआई करने के लिए इसकी नर्सरी जून में लगाते हैं। किसान भाइयों, यह कम अवधि का होने के कारण सब्जियां लेने के लिए बहुत ही उपयुक्त धान है, क्योंकि जैसे हम धान की कटाई करेंगे उधर अपना आलू या फिर सरसों या गेहूं लेने के लिए सही समय पर इसकी कटाई हो जाती है। तो किसान भाइयों, चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। किसान भाइयों, आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कावेरी 468 धान लगभग 115 से 120 दिन का होता है, लगभग मध्यम अवधि की होती है और इसकी लंबाई 105 से 110 सेंटीमीटर की होती है, जो एक मध्यम ऊंचाई है, जो कि गिरने के प्रति सहनशील होता है एवं तना मोटा होने के कारण हल्का तेज हवा को भी यह संभाल लेता है। बात करें इसके कल्लों की, तो कल्लों की लगभग 15 से 20 कल्ले पर पौधे निकलते हैं, जो कि एक अच्छी संख्या है कल्ले निकलने की, जिससे उपज अधिक होता है। और बात करें दाने की, तो लंबे मोटे चमकदार दाने होने के कारण यह बजनी धान होता है एवं स्वादिष्ट होता है। रोग की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें रोग तो कम ही लगते हैं और यह सूखे के प्रति भी सहनशील है। कम पानी में भी अधिक उपज देने के लिए यह धान सक्षम है। अगर बात करें इसके उपज की, तो यह अगर अनुकूल परिस्थिति में है तो 30 से 35 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उपज देगा, और अगर आप उथली जगह में लगाए हैं या फिर हल्का सूखाग्रस्त एरिया में लगा है तो फिर भी 25 से 30 क्विंटल पर एकड़ उपज देने में सक्षम है यह धान। अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो किसान भाइयों, मार्केट में यह लगभग 280 से 300 रुपए किलो के हिसाब से सभी हाइब्रिड किस्म के हिसाब के बराबर ही इसकी प्राइस है। और अगर बात करें इसकी नर्सरी की कि कितनी सीड लगती है इसकी नर्सरी तैयार करने में, तो किसान भाइयों हम बता दें लगभग 6 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए। तो किसान भाइयों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।